रामलला मूर्ति स्थापना को लेकर अनुसूचित समाज के लोगों की अगुवाई में निकाली गई श्री राम अक्षत कलश शोभा यात्रा रायबरेली में अनुसूचित समाज के लोगों द्वारा अयोध्या जनपद में होने वाले रामलला मूर्ति स्थापना को लेकर राम अक्षत वितरण करते हुए कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान 22 जनवरी को अपने अपने घरों में दीपावली मनाने के लिए आग्रह किया गया। आपको बता दें कि आज करीब 1 बजे रायबरेली जनपद के मील एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत डिगिया ग्राम से आसपास के एक दर्जन से अधिक गांव में कड़ाके की ठंड के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी व अनुसूचित समाज के लोगों की अगुवाई में राम अक्षत वितरण हेतु कलश शोभा यात्रा निकाली गई और सभी से अक्षत वितरण करते हुए आग्रह किया गया कि अयोध्या में होने वाले 22 जनवरी को रामलला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा व स्थापना के दिन सभी लोग अपने अपने घरों में दीपावली मनाएं। राम मंदिर देखने जाएंगे, भगवान को धन्यवाद है कि कोई ने लाया है उसको, मतलब उस जलम का उसने। सुषमा शर्मा। अच्छा, कौन सी ग्राम सभा लगती है? बंदीपुर रजवापुर। अच्छा, आज आप लोग कलश यात्रा निकाल रही हैं? जी सर, जी क्या सर। क्या कहना चाहेंगी? अरे हम कहना चाहेंगे मोदी योगी हमारे जिंदाबाद, बहुत अच्छे हैं। और 22 जनवरी को हम कलश यात्रा निकाले हैं, रैली निकाले, मतलब बहुत 22 जनवरी को बहुत अच्छे से दीपावली मनाएंगे, पटाखा के साथ मनाएंगे। अच्छा, दीपावली 22 जनवरी को आप मनाएंगे? जी सर। अच्छा, राम कले आज कहाँ पे है, क्या यात्रा? अरे यात्रा निकला है, बहुत खुशी है, बहुत मतलब बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज इतनी सरकार हो चली गई है, लेकिन आज तक का कोई राम मंदिर भी नहीं बनवा पाया। इस सरकार में राम मंदिर भी बन गई है, इतना उजास है कि मतलब समा भी नहीं रहा अंदर शरीर में, कि आज मतलब देखने को समय भी मिल गई है। बहुत बहुत धन्यवाद है इस सरकार की। क्या नाम है आपका? समोसा की सुनीता। आज कहाँ पे क्या यात्रा के लिए आए हैं? हम लोग आए हैं अयोध्या की, मंदिर बन रही, हम लोगों को बहुत खुशी है, शुभकामनाएं इसके लिए है, इसलिए हम लोग अपनी अपनी मैपी निकाले। कितनी महिलाएं आप लोग हैं? हम लोग कम से कम 250। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम लोग निकले हैं रजवा बंदीपुर से, ग्राम सभा से पूरी घुमा कर डिगिया में आया हूँ मंदिर पर। क्या संदेश देंगे? हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि हमारे योगी जो है बहुत अच्छा, धन्यवाद है हमारे तरफ से, है बहुत अच्छी सी कामनाएं कर रहे हैं हम जनता के लिए। 22 तारीख को दीपावली जलाएगी आप? हाँ जी, हम लोग बड़ी खुशी से धूमधाम से मनाएंगे दीपावली, घर घर जलाएंगे। राज नारायण मौर्य। राम मंदिर बनने को लेकर कितनी उत्साह है आप लोगों के अंदर? राम मंदिर बनने की इतनी लालसा थी और आज इतनी खुशी है कि हमारे क्षेत्र नहीं, समस्त हमारा जनपद एकत्र होके, सर्व समाज के लोग साथ होके ये खुशी का इजहार कर रहे हैं कि जो हम लोग बरसों से इंतज़ार कर रहे थे, आज वो दिन आ गया है बहुत नज़दीक, 22 जनवरी। और इतनी खुशी है कि कुछ हम ज़्यादा कह नहीं सकते हैं। बहुत से लोग मंदिर बनने को लेकर बहुत से उल्टे, ये उनका विवेक है, उनका विषय है, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये सिर्फ भगवान की आस्था है। आस्था में आज एकत्रित यहाँ समस्त जनपद से लोग आए हुए हैं और क्षेत्र के समस्त न्याय पंचायत के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आप बाकी देख ही रहे हैं। 22 जनवरी को हम लोग बड़े दीपावली जैसे हम लोगों की घर घर होती है, उसी तरह हम लोग हर घर में दीपक जला के हर दीपावली जैसा राम मंदिर के को देखते हुए, भगवान की आस्था को देखते हुए हम लोग एक पुनः फिर दीपावली मनाने जा रहे हैं 22 जनवरी को। भैया क्या नाम है आपका और कहाँ पे आज क्या काम करेंगे? मेरा परिचय, मैं विवेक सिंह, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। आज अयोध्या में जो श्री रामचंद्र जी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसी में पूरे जनपद में कलश यात्राएं भी निकाली गई हैं। इस संबंध में आज यहाँ बंदीपुर में एक कलश यात्रा और अक्षत वितरण कार्यक्रम यहाँ पे बड़े भव्य पैमाने पे किया जा रहा है, जो हमारे अनुसूचित भाइयों द्वारा ये कलश यात्रा यहाँ पे निकाली जा रही है और उसमें भी सब पूरा सर्व समाज शामिल है इस यात्रा में। ये यात्रा यहाँ बंदीपुर और शंदी नागिन, राही, डिगिया होते हुए करीब कई गाँवों से हो करके, जिसमें माताएँ बहनें कलश ले करके इस यात्रा में शामिल हो रही हैं। क्या संदेश देंगे? संदेश ये पूरे सर्व समाज के लिए संदेश है, सभी वर्गों के लिए, सभी जातियों के लिए, कि भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, ये एक आस्था का विषय है और आस्था जहाँ पे होती है वहाँ पे सिर्फ आस्था ही रहती है।
कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी आज इतने 500 वर्षों के संघर्ष के बाद आज अपने ग्रह में विराजमान होने जा रहे हैं, और इसमें हम पूरा सर्व समाज जो है, पूरे समाज में खुशी की लहर है, और सभी 22 तारीख के दिन अपने अपने मंदिरों पे हवन पूजन कीर्तन करेंगे और रात में दीपोत्सव मनाएंगे, वह पटाखे भी इस पे छोड़े जाएंगे। महंगे बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आई।